आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आए हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता कीजिए। पिछले 30 साल से बिहार में नागनाथ और सांपनाथ की सरकार चल रही है। प्रशांत किशोर। जन सुराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के तालिमपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के लागू होने से हर साल बिहार की जनता का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बिहार की जनता का ये पैसा उन भ्रष्ट पुलिसवालों और अफसरों की जेब में जा रहा है जो घर घर होम डिलीवरी करवा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आपको नीतीश कुमार, लालू यादव और मोदी जी का उदाहरण देने नहीं आए हैं। हम यहां आपको ये बताने आए हैं कि बबूल का खेती करेंगे तो उस पेड़ से आम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बिहार की जनता को अपनी समस्या के बारे में पता है, लेकिन जनता उस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही है। बिहार की जनता के पास बस दो ही विकल्प रह गया है, एक नागनाथ और एक सांपनाथ। बिहार की जनता को अब साथ मिलकर एक विकल्प खोजना पड़ेगा। बिहार में दल बनाने की प्रक्रिया ये है कि जो आदमी राजनीति में आता है वो दल बना लेता है और खुद उस दल का नेता बन जाता है और उसके बाद अगला नेता अपने बेटा को बना देता है। आम जनता पूरी जिंदगी झंडा लेकर घूमती है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। बिहार में विकल्प तब बनेगा जब बिहार की जनता खुद मिलकर अपना विकल्प बनाएगी। पकड़ा जाओ तो खैर नहीं खे, लेकिन अगर जितना धनी आदमी बा, पैसा वाला बा, रसूख वाला बा, शराब के धंधे कर रहा बा। बिहार में शराबबंदी लागू होने से बिहार सरकार का, आपका, हमारा बिहार, गरीब बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आई पैसा जात कहाँ बा? पैसा जाता जो शराब के धंधा करता, जो नहीं पुलिस वाला लूट रहा बा, घर घर डिलीवरी करावता, पैसा जाता ओकरा जेब में। हम यहाँ आपको नीतीश कुमार और लालू यादव और मोदी जी का उदाहरण देने नहीं आए हैं। हम आपको समझाने आए हैं कि जैसा वोट दबाइएगा वैसा ही परिणाम आपके सामने आएगा। अगर बबूल का खेती कीजिएगा तो आम नहीं खाइएगा। सब आदमी कहते कि भैया बहुत दिक्कत बा, लेकिन वोट रोबा गलत बात पर करो तो दिक्कत रंग सुधरे वाला नहीं है। इसीलिए चले हैं पैदल पैदल, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं आप। नहीं तो जिस गरीबी, बदहाली, गुर्बत में हम लोग का जिंदगी बीता है, ऐसे ही गरीबी और बदहाली में हम लोग के बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा, ये कहने चले। आदमी को कहता हम ये भैया इतना तो बुझाता, लेकिन केकरा के वोट दिया? दोनों आदमी तो वह खराब बा, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ, केकरा के दिया? रउआ विकल्प बना ली, एगो नया विकल्प बनाई बिहार में, तो हमने के रोवा संगे चलल जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कि विकल्प बनाने का दो गो तरीका है। हम दल बना ले और सबको उसमें जोड़े, और नहीं दूसरा उपाय ये है कि समाज के लोग मिलकर विकल्प बनाए। तो बिहार में दल कैसे बनता है? जो आदमी आया वो दल बना लिया, और दल बना के अपने बन गया उसका नेता। आई भी कह दिया कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा, आ कुल जना बिहार के आदमी तू लोग झंडा लेके ढोवा जा। वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का राजतंत्र है। विकल्प तब बनेगा जब बिहार की जनता मिलकर विकल्प बनाएगी। तो जन सुराज बिहार में दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये अभियान है जनता को जगाने का, समझाने का। ये अभियान है समाज के में आपकी बीच से, आपकी मदद से सही लोगों को ढूंढ कर निकालने का और सारे लोगों के साथ एक नया विकल्प बनाने का। जब पदयात्रा खत्म होगी तो मेरा